तो भाई मेजबानी से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि भाई हमारे बस की बात नहीं है कि हम जा पर क्रिकेट के मैचेस करवाएं, और उसके अलावा क्या डैरेन सैमी पाकिस्तान टीम के कोच बनेंगे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो, आपके साथ मोस्ट इंटरेस्टिंग अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूं। तो मेजबानों ने भाई मेजबानी से इनकार कर दिया कि हम भाई वर्ल्ड कप नहीं करवा सकते हैं, और इसके अलावा डैरेन सैमी क्या पाकिस्तान टीम के नए कोच बनेंगे, बड़ी स्टेटमेंट है। और बंदे ने कहा कि मैं सिफारिश भी कर सकता हूं इसकी। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई वेस्ट इंडीज और यूएसए ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 नेक्स्ट ईयर होस्ट करना है। वेस्ट इंडीज तो रेडी है, लेकिन आपको पता है कि दोनों कंट्रीज का जो मेल है, यानी कि वेस्ट इंडीज और यूएसए का, तो फिर मैचेस कुछ यूएसए के अंदर रखे जाने थे, और जो मैच है मतलब पाकिस्तान इंडिया का, वो भी यूएसए में होना था। लेकिन अब भाई यूएसए अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिया है कि फुटबॉल करवा लेंगे, हॉकी करवा लेंगे, कोई और टूर्नामेंट करवा लेंगे, लेकिन भाई क्रिकेट नहीं करवा सकते अपनी कंट्री के अंदर, इंटरनेशनल मैचेस बहुत मुश्किल है। तो भाई उन्होंने अब हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई हम वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं करवा सकते, कोई और मेजबान ढूंढो, वेस्ट इंडीज के साथ किसी और को रला दो ताकि भी मैचेस हो जाएं। तो बहरहाल अब उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई वर्ल्ड कप 2024 के मैचेस हम नहीं होस्ट कर सकते हैं। फिलहाल आईसीसी को उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है। अब लेट्स सी इसके ऊपर क्या डिसीजन आता है, ये देखना पड़ेगा। और इसके अलावा भाई जावेद अफरीदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान डैरेन सैमी को वर्ल्ड कप 2023 के लिए, जो इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप होने जा रहा है, अगर उसके लिए कोच लगाना चाहता है तो डैरेन सैमी तैयार है, मैंने उनके साथ रابطہ किया और मजीद भी उनके साथ रابطہ करूंगा। अगर पाकिस्तान एग्री है कि उनको पाकिस्तान टीम के साथ ऐसे कंसल्टेंट लगा दे, इंडिया के अंदर वो टी20 का वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, तो ये भी एक तजुर्बा तो है भाई, क्योंकि इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान डैरेन सैमी को कोच बनाना चाहता है तो वो यानी कि उनको एग्री करने के लिए तैयार है। अगर आपको अपडेट्स अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना चैनल पर पहली बार।